नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं हूं सुरजीत सिंह। झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने आज एक बड़ा दांव खेल दिया है, बहुत बड़ा दांव। मुर्मू के इस दांव से अब ममता बनर्जी भी धर्म संकट में पड़ गई है। जी हां, मुर्मू ने जैसा दांव खेला है उसे दीदी जो है उन्हें भी लगता है कि कहीं खेला ना हो जाए। दरअसल द्रौपदी मुर्मू ने आज एनडीए की ओर से राष्ट्रपति पद के लिए अपना नामांकन दाखिल किया है। इस मौके पर पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह सहित पार्टी के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। द्रौपदी मुर्मू ने 4 सीटों में नामांकन दाखिल किया है। द्रौपदी मुर्मू की राष्ट्रपति उम्मीदवारी के लिए पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, ललन सिंह, पशुपति पारस, रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद प्रस्तावक बने हैं। नामांकन दाखिल करने से पहले मुर्मू ने संसद में महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर और बिरसा मुंडा की मूर्तियों पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उसके बाद वो नामांकन के लिए आगे बढ़ी हैं। 29 जून को नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख है। इससे पहले गुरुवार को द्रौपदी मुर्मू पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात किया था। इन्होंने मुलाकात करके उन्हें धन्यवाद भी दिया और ये भी जाना कि आगे किस तरीके की रणनीति बनानी है, क्योंकि इलेक्शन तो होना है। विपक्ष ने खड़ा कर दिया है एक उम्मीदवार, यशवंत सिन्हा जी खड़े हैं, तो उनको हराने के लिए क्या, हालांकि हराने के लिए बहुत बड़ी रणनीति की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से जो पूरा सत्ता पक्ष एकजुट हुआ है और जो दूसरे दल हैं, जो एनडीए के घटक दल नहीं है, वो भी कई दल ऐसे हैं जिन्होंने द्रौपदी मुर्मू की उम्मीदवारी का समर्थन कर दिया है, इसलिए बहुत बड़ी कोई रणनीति तैयार करने की जरूरत नहीं है। लेकिन औपचारिकता तो होगी ही, इलेक्शन तो होगा, चुनाव तो होगा, अगर यशवंत सिन्हा पीछे नहीं हटे तो। अब इसके बाद जब वो जेपी नड्डा से मुलाकात करके उसके बाद वो केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के घर पर राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन के लिए प्रस्तावक और समर्थक के तौर पर नॉमिनेशन पर, जो नॉमिनेशन पेपर होता है, उस पर हस्ताक्षर किया उन्होंने। इस बीच आंध्र प्रदेश के सीएम जगमोहन रेड्डी ने भी ये ऐलान कर दिया कि उनकी पार्टी राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करेगी। सीएम जगन का मानना है कि मुर्मू का समर्थन करना एससी, एसटी, बीसी और अल्पसंख्यक समुदायों के प्रतिनिधित्व पर हमेशा जोर देने की उनकी विचारधारा के अनुरूप है। जगन बिजी शेड्यूल के कारण मुर्मू के द्वारा जो नामांकन दाखिल करने का प्रोसेस है, जो हो रहा था, वहां पे शामिल तो नहीं हो पाए, लेकिन राज्यसभा सांसद विजय साई रेड्डी और लोकसभा सांसद मिथुन रेड्डी मौजूद रहे, जो कि उनका प्रतिनिधित्व कर रहे थे जगन रेड्डी जी का, और ये दिखा रहे थे कि हम इनके साथ हैं और हमारा समर्थन इनके साथ है। इससे पहले बीजेपी की तरफ से ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी अपने विधायकों और सांसदों से मुर्मू के पक्ष में वोट डालने की अपील कर दी है कि उनके पक्ष में वोट डालिए, क्योंकि आपको जैसा पता ही होगा कि द्रौपदी मुर्मू नवीन पटनायक जी के सरकार में मंत्री भी रह चुकी है। जेडीयू पहले से ही द्रौपदी मुर्मू का समर्थन कर रही है, लेकिन अब सवाल ये उठता है, आप भी सोच रहे हैं कि ये कौन सा दांव खेला जो मैंने बात की थी अभी कुछ देर पहले, ऐसा कौन सा दांव खेल दिया द्रौपदी मुर्मू ने जिससे ममता बनर्जी धर्म संकट में आ गई हैं? क्योंकि अब आपको जैसा पता होगा कि ममता बनर्जी की अगुवाई में विपक्ष ने एकजुट होकर यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया हुआ है, उन्हें जेड सिक्योरिटी भी मिल गई है। लेकिन द्रौपदी मुर्मू ने आज जिस तरीके से ममता बनर्जी को फोन करके अपने लिए समर्थन मांगा है, उससे ममता बनर्जी धर्म संकट में पड़ गई हैं। वैसे है तो ये औपचारिकता, अगर राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू तो उन्हें सबसे वोट तो मांगना ही पड़ेगा। कई बार औपचारिकता वश भी आप अपने विरोधियों से बात करते हैं, लेकिन ये दांव कैसे भारी पड़ रहा है ममता बनर्जी पे, वो जरा जान लीजिए। क्योंकि उन्होंने जब फोन किया द्रौपदी मुर्मू ने ममता बनर्जी से और कहा कि दीदी आप हम मुझे वोट दीजिए और मैं राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हूं एनडीए की तरफ से, तो अब धर्म संकट में क्यों पड़ी? क्योंकि ममता बनर्जी जिस मां माटी और मानुष की बात करती हैं, उस सिद्धांत पर द्रौपदी मुर्मू पूरी तरीके से फिट बैठती है। अगर द्रौपदी मुर्मू का प्रस्ताव एनडीए के तरफ से नहीं आता, किसी विपक्ष की पार्टी की तरफ से आता, तब तो ममता बनर्जी का वोट पक्का द्रौपदी मुर्मू को जाता। लेकिन अब ये जो है पासा थोड़ा सा पलट सा गया है। अब ममता बनर्जी के सामने धर्म संकट है कि वो अपने सिद्धांत की रक्षा करे या अपनी सियासत की रक्षा करे।
अब ममता बनर्जी के पास द्रौपदी मुर्मू की अपील को ठुकराने की केवल और केवल एक ही वजह है, और वो है बिल्कुल पूरी तरीके से सियासी। और ये सियासी वजह है कि द्रौपदी का जो द्रौपदी है वो एनडीए की उम्मीदवार है। अब एनडीए की उम्मीदवार हैं और ममता बनर्जी विपक्ष की नेता बनकर के सामने आई और उन्होंने एक राय होकर के यशवंत सिन्हा को बना दिया कैंडिडेट। इससे पहले हालांकि कोशिशें तो तमाम हुई, कोशिशें तो इससे पहले तीन उम्मीदवारों को भी और आगे राष्ट्रपति बनाने के लिए, फारूक अब्दुल्ला साहब को वो कहा गया, शरद पवार जी को कहा गया, गोपाल कृष्ण गांधी जी को कहा गया बन जाइए, तीनों ने रिफ्यूज कर दिया क्योंकि उनको पता था कि वोट उनके साथ नहीं है। वजह उन्होंने व्यक्तिगत बचाई, व्यक्तिगत वजहों के कारण वो नहीं खड़ा हुए। लेकिन यशवंत सिन्हा जी आ गए, वो टीएमसी में थे, टीएमसी को छोड़ के आ गए, विपक्ष के नेता बन गए, विपक्ष में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बन गए। लेकिन अब ये मामला बिल्कुल उलझता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि अब यशवंत सिन्हा के जीतने के आसार बहुत कम है। ऐसा कोई चमत्कार ही हो जाए तो वो शायद जीत जाए, क्योंकि जो एनडीए है वो पूरी तरीके से द्रौपदी मुर्मू के साथ में है। साथ ही जो एनडीए के घटक दल नहीं है, जो बाहर हैं लेकिन वो विपक्ष का भी हिस्सा नहीं है, वो उन्होंने भी द्रौपदी का साथ देने का ऐलान कर दिया है। अब ऐसे दौर में जब द्रौपदी बात करती है ममता बनर्जी से तो उनका ध्वंसघट आना लाजमी है, क्योंकि ममता बनर्जी को लग रहा है कि उनके उम्मीदवार तो जीत नहीं रहे हैं, और दूसरा उनका जो सिद्धांत उस पर द्रौपदी मुर्मू पूरी तरीके से फिट बैठती हैं लेकिन उसका साथ नहीं दे सकती है। तो सियासी उठापटक है, चलती रहेगी। अब धर्म संकट माना नहीं जाता सियासत में, क्योंकि हमेशा सियासत में सियासी संकट को ही सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, न्यूज वॉच इंडिया देखते रहिए, नमस्कार।